नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हम देते रहते हैं। आपकी फरमाइश के अनुसार भी आप लोगों के लिए जानकारी हम प्रस्तुत करते रहते हैं। जैसी जानकारी के लगातार प्रश्न हमारे पास आते हैं तो हम अवश्य ही उस जानकारी पर अमल करके उसके एपिसोड आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। आजकल इस बीच इस अवधि में बहुत से लोगों का एक मैसेज और फोन पे एक बात वो हमसे कह रहे हैं कि गुरु जी, भूमि जमीन जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी बेचने का कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि रामबाण औषधि की तरह हो, लंका भेदी हो, यानी कि विजय मिले ही मिले उस उपाय से। वैसे तो मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ, इसके लिए तो जिस व्यक्ति को कोई भी चीज अपनी विक्रय करनी है, बेचनी है, तो उसे सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका दिखा लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम पर वह चीज है, वह प्रॉपर्टी आदि है, तो वहां से उसे बहुत अच्छी राय मिलेगी, मशवरा मिलेगा कि क्या प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से बिकेगी, क्या उचित दाम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दूसरा, जिस व्यक्ति को इन चीजों पे विश्वास नहीं है या जिन चीज लोगों को अपनी डिटेल आदि, जो डेट ऑफ बर्थ आदि होती है, पता नहीं है, या जिनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है, तो उनके लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के माध्यम से विशेष तौर पर इसे भूमि जमीन जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए बताया गया है, लेकिन किसी भी चीज को आप विक्रय कर सकते हैं इस उपाय के माध्यम से। इतना सिद्ध उपाय इसे बताया गया है, तो इससे बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। थोड़ा सा जटिल यानी कि लंबा है, लेकिन जो समझ गया वह एक बार ही इसका यदि आदमी प्रयोग करे तो उसकी भूमि प्रॉपर्टी आदि बिक जाती है, विक्रय हो जाती है। बताया गया है कि मंगलवार के दिन जिस प्रॉपर्टी को आपने बेचना है, या जमीन है या कुछ भी है, तो दक्षिण दिशा, मंगल की दिशा होती है, उस प्रॉपर्टी की दक्षिण दिशा से आप थोड़ी सी मिट्टी ले आइए और उस जगह पे आप चावल डाल दीजिए, थोड़े से चावल डाल दीजिए जिस जगह से आप मिट्टी लेके आए हैं। उसे घर में लाने के पश्चात किसी पात्र में चमेली का थोड़ा सा तेल डालकर उस मिट्टी को उस पे डुबो दीजिए और दक्षिण दिशा में ही उसे रख दीजिए, क्योंकि मंगल की दक्षिण दिशा होती है। अंत में मैं आपको और भी कई चीजें बताऊंगा। उसके पश्चात गुरुवार के दिन तक उसे दक्षिण दिशा में रहने दीजिए। गुरुवार के दिन उस पात्र को उठाकर आप उस प्रॉपर्टी भूमि जहां से आप वह मिट्टी आदि लेके आए थे जिसे आपने बेचना है, उत्तर दिशा जो कि गुरु की दिशा होती है, वहां पर से थोड़ी मिट्टी ले लीजिए और उस पात्र को जो मंगलवार के दिन चमेली के तेल में आपने मिट्टी डुबोई थी उस पे डाल दीजिए जिस जगह से आपने मिट्टी निकाली। पात्र पानी आदि है तो साफ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घर में आकर उस मिट्टी को जो गुरुवार के दिन आपने उत्तर दिशा से ली है उसे घर में आकर सरसों के तेल में आप डाल दीजिए, उसमें डुबो के उत्तर दिशा की ओर ही रख दीजिए, जिस तरीके से मंगल के दिन लाई हुई दक्षिण दिशा में रखी और गुरुवार के दिन वाली उत्तर दिशा में रख दीजिए। और इसके पश्चात शनिवार के दिन आप उस जगह पे फिर जाइए और पश्चिम दिशा, शनिदेव की दिशा होती है, तो उस दिन पश्चिम दिशा की ओर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए और जो आपने सरसों के तेल में गुरुवार के दिन मिट्टी डुबोई है उसे उस जगह पे खाली कर लीजिए। इसके पश्चात आप पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं स्वच्छ करने के पश्चात, नहीं तो दूसरे पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आइए, उस मिट्टी को तिल के तेल में आप डुबो दीजिए और उसे आप पश्चिम दिशा में रख दीजिए, क्योंकि शनि की दिशा है अपने घर पे, सुरक्षित स्थान पे। अब इसके पश्चात आपने अगले शुक्रवार को, जो कि शुक्र ग्रह की पूर्व दिशा मानी गई है, उस दिन आप समय किसी भी समय पे जा सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। शुक्रवार के दिन पूर्व दिशा की में जाकर उस जगह से मिट्टी लेकर आप आएंगे और इस पात्र को जो शनिवार के दिन तिल के तेल में आपने मिट्टी डुबो के रखी है उस जगह पे खाली करके आ जाएंगे। अब इस मिट्टी को जो आपने पूर्व दिशा से शुक्रवार के दिन ली है, इस मिट्टी को अपने घर में लाकर आप जिस समय भी रहे, तीनों तेलों का मिश्रण यानी कि चमेली का तेल, सरसों का तेल और तिल के तेल का बराबर मिश्रण करके उस पे डाल देंगे,
और इसे घर में पूर्व दिशा की ओर आप रख देंगे। शीघ्र ही इतना शक्तिशाली उपाय बताया गया है कि शीघ्र ही आपको आपका इसका खरीदार मिल जाएगा और आपको जो चीज बेचना है वह चीज बिक जाएगी, विक्रय हो जाएगी। मंगलवार सुप्ता का वार माना गया है, इस दिन भूमि का वार भी रहता है। इस दिन मिट्टी लाने का तात्पर्य यह माना गया है कि इस दिन लाने से भूमि में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा, कोई भूत पिशाच वास्तु दोष आदि है तो वह दूर हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास भी यह भूमि या प्रॉपर्टी जाएगी वह यहाँ पर को सुखी जीवन बिताएगा। गुरुवार के दिन मिट्टी लाने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिसको बेचेगा वह व्यक्ति सुलझा हुआ मिलेगा, अच्छा व्यक्ति मिलेगा और उसके माध्यम से कभी किसी प्रकार की कोई भविष्य में दिक्कत व्यक्ति को नहीं आएगी, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या किसी प्रकार का वह बेमानी आदि धोखेबाजी नहीं करेगा। शनिवार के दिन मिट्टी लाने का तात्पर्य यह है कि इस दिन व्यक्ति को अच्छा पैसा, उसके जो भूमि की आपने अनुमान तह लागत है उससे भी अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना रहेगी। शुक्रवार के दिन मिट्टी लाने का यह है कि पूर्व दिशा की ओर कि आप उस पैसे से आपका उस सदुपयोग में आएगा और जिस जगह में भी आप भूमि या प्रॉपर्टी आदि अर्जन करेंगे शुक्रवार के दिन की जो मिट्टी आप लाए हैं तो वह आपके जीवन में कई गुना तरक्की देगी, यानी कि वह आपके लिए फलित रहेगी। लक्ष्मी के रूप में वह उस भूमि के जो धन आपके पास मुद्रा आएगी वह आपके लिए फलित रहेगी। जिस जगह पे भी आप उसको लगाएंगे वहां से आपको लाभ ही देखने में आएगा। भूमि प्रॉपर्टी आदि लेंगे तो वहां पर को आपका शुभ रहेगा, सुखी जीवन वहां पर को आप बिताएंगे, वंश वृद्धि आदि वहां पर को रहेगी। और जो अंत में जब कार्य बन जाता है तो उस मिट्टी को उसी पवित्र भूमि में जिस भूमि से आप लाए हैं वहां पर को डाल छोड़ सकते हैं। जो शुक्रवार के तीनों तेलों में मिश्र वाली मिट्टी है उसी पूर्व दिशा में जहां पर से आप लाए थे वहां पर भी छोड़ सकते हैं। बिक गई है नहीं जा सकते हैं तो किसी पवित्र वृक्ष में या बहते हुए सरोवर में भी आप उसे छोड़ सकते हैं। इतना सिद्ध उपाय बताया गया और इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय संभवतः अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। तो बहुत से लोगों का ये लगातार इस अवधि में प्रश्न था कि प्रॉपर्टी भूमि के बेचने का गुजी कोई सरल उपाय बताइए। पहला हम आपसे कह चुके हैं कि सर्वप्रथम जिसके नाम की प्रॉपर्टी होती है उसे अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लेनी चाहिए, क्या बेचने में लाभ है या न बेचने में लाभ है। कुछ समय रुकने से भी लाभ होता है क्योंकि भूमि है, तो ये चीजें उसके अन्यथा जिस विश्वास नहीं होता है बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और कोई अज्ञान जिनको मार्ग नहीं है जिनके पास तो वो लोग इस उपाय को आजमा सकते हैं। इन लोगों को ज्योतिष आदि की वहां तक पहुंच नहीं है, उनकी नहीं जानते हैं ज्योतिषी आदि को, तो वो लोग इस चीज को अपना सकते हैं और बहुत चमत्कारिक लाभ इसका तुरंत देखने में आएगा। बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आपको बहुत भली भांति समझाने का प्रयास किया। यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, ज्योतिष की हर प्रकार की जानकारी है, निकट भविष्य में कुंडली विश्लेषण आदि का भी हम आप लोगों के लिए एपिसोड लाने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। कार्यालय में कुंडली विश्लेषण का कार्य न्यूनतम शुल्क में ऑनलाइन किया जाता है, यहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर जगह से हम आप लोगों की मदद में हैं, तो चैनल पे बने रहिए। हम तो ये कहेंगे कि बेल आइकन दबाकर निरंतर हमारी जानकारी का आनंद आप लेते रहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।